आज हम शर्ट के ऊपर शर्ट रख के कटिंग करेंगे। ये वीडियो उनके लिए है जो बिगनर्स हैं और जिनको इंचेस टेप की समझ बिल्कुल नहीं आती, तो वीडियो को काइंडली फुल वॉच कीजिएगा ताकि कोई भी पॉइंट आपसे जो है वो स्किप ना हो। देखिए, सबसे पहले जिस शर्ट का आपने साइज लेना है उसको आपने अच्छे से प्रेस कर लेना है ताकि कोई भी सिलवट ना हो। अक्सर क्या होता है कि प्रेस के बगैर जब हम मेयरमेंट करते हैं तो बाद में बहुत फर्क पड़ जाता है हमारी मेयरमेंट में। तो पहले ही आपने जो है उसको अच्छे से प्रेस करके इस तरह से डबल कर लेना है, दरमियान इसका कर लेना है इस तरह से जैसे मैंने किया हुआ है। तो अब हम इस शर्ट को जो है इस तरह से इसके ऊपर रखेंगे कि बंद वाली साइड जो है ना फैब्रिक की के इस तरफ है। ठीक है, ये देखें फ्रंट और बैक जो है वो मैंने अच्छे से प्रेस करके इस फैब्रिक के एक दूसरे के ऊपर रख लिए और यहाँ से अपना फैब्रिक भी बिल्कुल सीधा कर लिया हुआ कटिंग करके ताकि आपका टाइम बच सके। अब हम क्या करेंगे जी, इस तरह से अपनी शर्ट को रखेंगे, ये देखें बिल्कुल इस वाली जगह पर बिल्कुल साथ मिलाते हुए ताकि कोई भी जो है ना वो मार्जिन ना रहे, इक्वल हमारी शर्ट की कटिंग जो है वो हो। इस तरह सबसे पहले हम इसको अच्छे से बिछा लेंगे अपने फैब्रिक के ऊपर। देखिए शर्ट को मैंने इस फैब्रिक के ऊपर जो है वो रख लिया हुआ है। अब हम क्या करेंगे कि हमने लगाना है सबसे पहले तीरे का निशान। ठीक है जी, तीरे का निशान लगाने के लिए यहाँ पर ये देखें ये जो पॉइंट है जहाँ पे सिलाई आ रही है हमारी, यहाँ पे हमने एक निशान लगाना है। ये हो गया हमारा सिलाई का निशान जहाँ तक हमें अपनी शर्ट का तीरा जो है वो रेडी चाहिए। ये ऊपर से मैंने जो इतना छोड़ा है इस चीज़ को आप देखेंगे ये हमारी सिलाई का मार्जिन जाना है। आप जब भी शर्ट पर शर्ट करके कटिंग करें तो ऊपर से आपने हाफ इंच लाजमी फैब्रिक को छोड़ना है, बिल्कुल तीरे की इस जगह पर जहाँ सिलाई आ रही है वहाँ पर निशान लगा लिया। एक निशान जो है हम अपना सिलाई का मार्जिन जो है वो छोड़ेंगे यहाँ पर। ठीक है, ये चीज हो गई। अब यहाँ पे आपने देखना है जहाँ पे हमारी ये वाले हिस्से की सिलाई एंड हो रही है, ये चेस्ट की सिलाई जहाँ पे एंड हो रही है वहां पे आपने इस तरह से एक सीधी लाइन लगा देनी है। ये आप देख रहे हैं एक लाइन यहाँ पे लग गई हमारी। अब आ रहा है जी हमारा यहाँ पे दरमियान जहाँ पे हमारी कमर का साइज आता है। ठीक है, वहां पर हम बिल्कुल सीध में एक लाइन लगा देंगे। अब एक पॉइंट हमारा यहाँ पे हो गया जहाँ पे हमारे ये चौक की सिलाई एंड हो रही है, ये देखें यहाँ पे हमारे चौक की सिलाई एंड हो रही है। तो एक निशान हमने लगा लेना है अपना यहाँ पे। ठीक है, और यहीं पे हमने इस तरह से ये देखें एक सीधी लाइन लगा लेनी है ऐसे जहाँ पे हमारा ये देखें दामन भी जाएगा। ये हमने सीधी लाइन लगा लेनी है। ये हमारे पास तीन पॉइंट आ गए हैं जी, हमारा यहाँ पे चेस्ट का निशान लगेगा, यहाँ पे कमर का निशान लगेगा और यहाँ पे लगेगा हमारे हिप्स का निशान। अब हमने क्या करना है, बिल्कुल हमारी जो ये फिटिंग है इसके साथ साथ रख के इस तरह से हमने कर लेनी है फिटिंग। ठीक है, ये देखें इस तरह से हमने बिल्कुल इसकी फिटिंग कर लेनी है। अब आती है जी आर्म होल की बारी। अब हमने ये देखना है कि हमने अपना आर्म होल जो है वो किस तरह से कटिंग करना है कि हमारा शोल्डर फड़ा ना हो जाए, हमारी शर्ट खराब ना हो जाए। अब यहाँ से हमने इस तरह से थोड़ा सा जो है ना बिल्कुल अपने नेक तक, ये देखें जहाँ से हमारा ये बैक नेक स्टार्ट हो रहा है वहाँ पे एक निशान लगाना है और इस तरह से एक तिरछा निशान लगा देना है जो हमने यहाँ से अपना कंधा डाउन करना है वहाँ तक। या आप देख सकते हैं इस निशान को मैंने यहाँ से शुरू किया और यहाँ पे थोड़ा सा तिरछा जो है उसको ख़त्म किया है। अब ये तो हो गई जी हमारी ये चीज़। ठीक है, इतना प्रोसीजर आपने कर लेना है, बिल्कुल आपने कहीं से खींचना नहीं है, इक्वल जो है अपनी शर्ट को इस तरह से रखना है और इस तरह से आपने निशान लगा लेनी है। ये देखिए यहाँ तक हमने जो है अपनी ये मेयरमेंट जो है कर ली हुई है, मार्किंग कर ली है हमने यहाँ तक। अब हमने आगे क्या करना है, अपना आर्म होल किस तरह से कटिंग करना है विदाउट इंचेस टेप। तो हमने अब क्या करना है जी, अपनी इस शर्ट को हम इसके ऊपर से उठा लेंगे इस तरह से और ये जो हमने निशान लगाया हुआ है ये वाला, इसको हमने बिल्कुल नीचे तक कर लेना है सीधा। ये देखें जी यहाँ तक इस निशान को हमने बिल्कुल इक्वल सीधा लेके आना है। ठीक है, यहाँ तक सीधा कर लिया। अब ये जो हमारा निशान है ये देखें ये हो गया, ये कर लिया हमने। अब इस चीज को जब हम इंची स्टेप से मेयर करते हैं तो हम क्या करते हैं कि जो हमारा फ्रंट की डीप कटिंग होती है उसको हम इस वाली लाइन से एक
आधा इंच जो है वो बैक की तरफ करके कटिंग करते हैं। तो आधा इंच के लिए हमने क्या करना है, अपनी एक फिंगर हम यहाँ पे रख लेंगे। ये देखें जी, इस हिस्से पर हमने अपनी एक फिंगर रख ली, देखें आप, और मार्किंग कर ली। अब हमने क्या करना है, अब हमने इसके आगे जो है डेढ़ इंच का निशान लगाना होता है। जब हम प्रोफेशनली कटिंग करते हैं, बैक आर्म होल के लिए डेढ़ इंच का निशान लगाना होता है। तो हम क्या करेंगे, ये जो हमारी थ्री फिंगर है ना, इसका ये तीसरी फिंगर का हाफ होता है, यहाँ तक हमारा डेढ़ इंच पूरा होता है। ये देखें, मैं आपको मेजर करके भी दिखा देती हूँ। ये आप देख सकते हैं कि एक, ये देखें, ये तीसरी फिंगर के मिड में हमारा डेढ़ इंच पूरा होता है। आपने नहीं, जिस टेप से कटिंग करनी है आपको नहीं समझ आती, यहाँ पे आप एक फिंगर रख के निशान लगा लें। अब यहाँ पे इस फिंगर को, ये जो तीसरी वाली फिंगर है, इसको इस निशान के रखेंगे हम दरमियान में, ठीक है, और यहाँ पे कर लेंगे जी अपनी मार्किंग। ये हमारा हो गया डेढ़ इंच, ठीक है। अगेन एक फिंगर यहाँ पे और एक फिंगर ये जो तीसरी वाली है उसको इसके मिड में, और यहाँ पे एक मार्किंग हो गई। ये हो गया जी हमारा निशान। अब हम इस निशान को भी इसके साथ मिलाएंगे और इसको भी इसके साथ मिलाएंगे। आपने इस तरह से अंदाजे के साथ ही इसको बिल्कुल इस तरह से इसके साथ निशान को मिला देना है। और ये भी जो हमने निशान लगाया है, इसको भी हम इस निशान के साथ इस तरह से मिला देंगे। अब हमने क्या करना है जी, यहाँ से अपनी करनी है, ये देखें जी, इस निशान से को, ये देखें, यहाँ से हम अपनी गोलाई कर देंगे इसके साथ। ये देखें, ये हो गया हमारा बैक आर्म होल। अब इस वाले निशान को भी हम इस तरह से, ये देखें, गोलाई कर देंगे। ये हो गया जी हमारा फ्रंट आर्म होल। ये देखें जी, हमने कोई इंच स्टेप नहीं यूज़ किया, विदाउट इंच स्टेप मैंने आपको ये फ्रंट और बैक आर्म होल की मार्किंग भी इस शर्ट पर समझा दी है कि आप किस तरह से विदाउट इंच स्टेप कर सकते हैं। अब आपने क्या करना है, यहाँ से भी आपने इस तरह से अपनी फिंगर की मदद से मार्किंग कर लेनी है, जो हमने एक्स्ट्रा मार्जिन इसमें छोड़ना है अपनी शर्ट में, और उसके हिसाब से आपने, ये देखें जी, इस तरह से मार्किंग कर लेनी। यहाँ पे हमारी कटिंग होगी और ये हमारा सिलाई का। अब हमने क्या करना है कि हमें पता चले कि ये जो हमने निशान लगाया है, इस पर हमारा जो है बाजू का और शर्ट का आर्म होल फिक्स आएगा, कोई बड़ा छोटा तो नहीं होगा। तो आपने क्या करना है, इसको गोल भी इसी तरह से, ये देखें, आपको मेजर करके दिखा देंगे। यहाँ से हमने, ये देखें, सिलाई का ऊपर से छोड़ दिया मार्जिन, और ऐसे ही इस तरह से राउंड करके, तो मैं आपको दिखा दूंगी कि किस तरह हमारा, ये देखें जी, ये देखें, अब आप खुद देख लें कि ये मैंने फ्रंट पकड़ी हुई है शर्ट की, और फ्रंट की ये जो हमने डीप कटिंग की है, ये देख सकते हैं आप, इसके साथ हमारी बिल्कुल सिलाई से सिलाई मैच करते जब हम जाएंगे, ये चीज़ जो है परफेक्टली हमारे स्लीव्स के साथ अटैच होगी, यहाँ पर बड़ा छोटा नहीं होगा, ठीक है। और यहाँ से आपने दोबारा से एक चीज़ मेजर कर लेनी है कि यहाँ हमारा आना है जी सिलाई का मार्जिन, और यहाँ पे हमारी ये ख़त्म हो रही है। एक चीज़ आपने ऐसे मेजर कर लेनी है। अगेन आपने क्या करना है, सबसे पहले हम अपनी चेस्ट से वाले एरिए से इस तरह से शर्ट को पकड़ेंगे, फोल्ड करेंगे इस तरह से, और फिर हम ऐसे उसको यहाँ से देख लेंगे। ये देखें जी, बिल्कुल ठीक जगह पे हमारा निशान लगा है, मार्किंग हमारी ठीक हुई है। इसी तरह से अगेन हम फिटिंग वाली जगह से पकड़ेंगे और उसको भी इसी तरह से, ये देखें, यहाँ पे देखें, बिल्कुल हमारी मार्किंग ठीक हुई है। आपने इसी तरह से तीनों पॉइंट्स को वन बाय वन पकड़ के मेजर कर लेना है जी। हमारी ये चीज़ जो है वो परफेक्ट मेजरमेंट इसकी हुई है, नाप हमने परफेक्ट लिया है, कोई कमी बेशी तो नहीं की। बाकी आपने यहाँ से, ये देखें जी, हमारा है कटिंग का मार्जिन, इसको मैं कटिंग कर देती हूँ यहाँ से। ये देखें, यहाँ से मैंने कटिंग कर दिया। अब आपने जो लेंथ मेजर करनी होती है अपनी शर्ट की, वो आपने यहाँ से मेजर करनी है, जितनी आपको नीचे तक लेंथ लेनी है, ठीक है। वो आपकी हर साइज की डिफरेंट लेंथ होती है, कोई शॉर्ट पहनता है, कोई लॉन्ग पहनता है, तो मेन कटिंग आपकी यहाँ तक आती है, लेंथ बाकी मैटर नहीं करती कि आप कितनी लेते हैं, वो हर बंदे की डिफरेंट होती है अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग। आपने जब भी कटिंग करनी है तो दोनों पीसों को पकड़ के इस पॉइंट पे करनी है, यहाँ पे रख के कटिंग नहीं कर देनी, आपकी बैक खराब हो जाएगी शर्ट की। तो
ये देखें जी, ये हमने अपनी कटिंग कर ली हुई है। अब हम इसी तरह से हम अपने फ्रंट आर्म होल की कटिंग करेंगे। तो उसके लिए हमने क्या करना है, ये ऊपर वाला पीस बस पकड़ना है जो हमारा फ्रंट का पीस होगा, और यहाँ से इसके ऊपर हमने फ्रंट आर्म होल की कटिंग करनी है। ये देखें जी, हमारे फ्रंट बैक की कटिंग हो चुकी है। अब हम क्या करेंगे कि बिल्कुल इस तरह से अपनी फिंगर को दबा के रखेंगे और यहाँ पर एक निशान लगा लेंगे, ऐसे इस पॉइंट पे ऐसे फिंगर को दबाएंगे और एक निशान ऐसे लगा लेंगे, और साथ ही इस तरह से इन तीनों पॉइंट्स पे हम अपना निशान लगाने के बाद इन निशानों को इस तरह से आपस में मिला देंगे ताकि बैक साइड पर भी हमारा फिटिंग का निशान जो है वो प्रॉपर तरीके से आ जाए और सिलाई करते वक्त हमें बार बार जो है वो मार्किंग नहीं करनी पड़े। ठीक, ये है जी स्लीव्स। इस तरह से यहाँ पे बॉर्डर है तो यहाँ रख के मैं लेंथ ले लूँगी, मुझे कितनी लेंथ चाहिए। तो यहाँ सिलाई आ रही है हमारी, यहाँ पर हम मार्जिन छोड़ देंगे अपना जो हमने सिलाई के अंदर देना है। ठीक, और ये जो हमने निशान लगाया है बिल्कुल इसके सीध में एक ऐसे मार्किंग कर लेनी है। ये देखें, ये हमने फोर फिंगर का यहाँ से फासला छोड़ना है। ठीक है, और फोर फिंगर ही हम इस जगह से यहाँ पर निशान लगाएंगे। अब ये जो हमने निशान लगाया है इसको भी हमने इस तरह से बिल्कुल सीधी एक लाइन लगा लेनी है। जो हमारे साइज वाली शर्ट है उसका एक यहाँ से बिल्कुल इस तरह से सीधा पकड़ना है बाजू को, ऐसे नहीं लेना, ऐसे नहीं लेना, बिल्कुल सीधा इस तरह से पकड़ के हमने ये देखें जी यहाँ पे रखना है। इस वाले पे रख के जहाँ हमारी सिलाई स्टार्ट हो रही है, ये देखें जी जस्ट की सिलाई स्टार्ट हो रही है फिटिंग वाली साइड से, वहाँ पे इस तरह से लगा देना है निशान। ठीक है, ये हमारा आर्म होल है और ये जो हमने निशान लगाया है इस निशान से हमने उस निशान तक करनी है इस तरह से गोलाई, यहाँ पर इस तरह से गोलाई करनी है। ये देखें जी, ये बन गई हमारे कंधे की शेप। यहाँ से इस तरह से हमने निशान लगा लिया। अब यहाँ पर हमारी ये सिलाई एंड हो रही है तो ये हो गया जी हमारा आर्म होल। ठीक है, अब ये हमारा हमने एक्स्ट्रा जो मार्जिन छोड़ना है वो हो गया। आपने कभी भी इस एक्स्ट्रा वाला जो हमने फैब्रिक छोड़ा है यहाँ से गोलाई नहीं लेनी। जब हम यहाँ से गोलाई लेते हैं तो ये देखें जी यहाँ पर आधा इंच एक्स्ट्रा फैब्रिक ऐड हो जाता है, जो पीछे वाली साइड पे हमारे बाजू की बैक साइड पे यहाँ पे जो झोल पड़ते हैं वो इसी वजह से पड़ते हैं। आपने यहाँ से नहीं, जहाँ पे आपके आर्म होल की सिलाई आएगी वहाँ से गुलाई करनी स्टार्ट करनी है। ये पॉइंट आपने माइंड में रखना है। अगर आप चाहती हैं कि फ्रंट की डीप कटिंग बाजू की करनी है तो ये जो निशान हमने लगाया है इसका जो दरमियान होता है आपने वो देख लेना, इसका निशान का जो दरमियान है वो यहाँ पे आ रहा है। यहाँ पे आपने अपनी फिंगर रखनी है और यहाँ पे निशान लगा लेना है। अब इस निशान को हमने यहाँ से ऐसे, ये देखें ऐसे, ये देखें, ठीक है जी, ये हो गई फ्रंट की डीप कटिंग। लेकिन मैं इस शर्ट की नहीं करूंगी, बगैर डीप कटिंग के स्लीव्स को किस तरह से अटैच करते हैं वीडियो मेरे चैनल पे मौजूद है, आप वहां जाके जो है इस चीज़ को देख सकते हैं कि डीप कटिंग के बिना हम किस तरह से स्लीव्स को शर्ट के साथ प्रॉपर तरीके से अटैच कर सकते हैं। ये हमारे स्लीव्स की कटिंग हो गई। अब मैं आपको दिखाऊंगी ये जो हमने शर्ट कटिंग की है, हम इस चीज़ को चेक करेंगे कि क्या हमारे स्लीव जो हैं वो इस पर प्रॉपर अटैच हो जाएंगे, कोई झोल तो नहीं आएगा। ये देखें जी, यहाँ पे हमारी आ रही है सिलाई और यहाँ से हमने हाफ इंच छोड़ देना है, और इस तरह से ये देखें यहाँ से मैंने सिलाई का मार्जिन छोड़ दिया और ऐसे अब मैं इस वाली कटिंग को अपने स्लीव्स के ऊपर बिछा के देखूंगी। अब यहाँ पे आप देखें ये सिलाई आ रही है बिल्कुल इस पॉइंट के ऊपर, मतलब कि हमारे स्लीव्स परफेक्ट अटैच होंगे, इनमें किसी किस्म का झोल नहीं आएगा। आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, मेरा मेथड अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा एंड बेल आइकन लाजमी प्रेस कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में न्यू आइडियाज के साथ, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।